हेलो एवरीवन, आज मैं बचे हुए इडली से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाली हूँ। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची होता है। शाम की हल्के फुल्के भूख में आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 5 इडली और एक इडली को मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 बाउल और इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बस अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बैटर तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ध्यान रखें, बैटर हमें ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ हमने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा था, तो बस अब हम एक एक इडली को इस बैटर में इस तरह से डिप करेंगे और इसे कढ़ाई में डालते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। बस जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे दूसरी साइड पलट लेते हैं और सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के बचे हुए इडली हैं, हम उसे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, रेडी है ऊपर से क्रंची अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट डिलीशियस इडली की लाजवाब रेसिपी। आप इसे मीठी चटनी या फिर तीखी चटनी, जो भी आपको पसंद हो, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।